तो फाइनली अपना प्रधानमंत्री आवास योजना बनकर कंप्लीट हो गया है, और यह मेरी सिस्टर के नाम से पास हुआ था। और इसमें टोटल कितना ज़मीन में यह बनाया गया है और हमारे अकाउंट में कितना रकम आया और टोटल मटेरियल इसमें कितना लगा, कितना छड़ सीमेंट गिट्टी रेत, इन सब की मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और इसमें अपने को क्या क्या बना के दिया और क्या बना के नहीं दिया, मैं इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि इसको मैंने उसको ठेका दिया था जो खुद नगर पालिका का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के। जो खुद नगर पालिका का अधिकारी है जिसको हमने ठेका दिया था, तो उसने इसमें क्या क्या बना के दिया है और क्या बना के नहीं दिया है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप खुद से प्रधानमंत्री आवास योजना बनाते हैं तो आप अपने मर्जी से बनाते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने खुद नगर पालिका के इंजीनियर को ठेका दिया था, तो उसने अपने को घर को कम्प्लीट बना कर दिया है, और इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में, और आज बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। यह है हमारा घर जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पास हुआ है, और साइड में आपको दो रूम का ज़मीन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नगर पालिका का अधिकारी आया था सर्वे करने के लिए, उसका कहना था कि अपने को 350 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए और आपका ये ज़मीन कम है, तो इसी नाम से अपने को ये बना बुनाया घर तोड़ना पड़ा। इसमें अपने को एक रूम और एक छोटा सा किचन और एक हाल को हम लोगों ने तोड़ कर दिया, और इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने खुद ही अपने जेब से 4000 रुपये पैसा दिया था, ठेका दिया था, और उन्हीं लोगों ने इसको पूरी तरह से तोड़ा। उसके बाद इसमें जगह भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्पेस हो गया, और फिर उन्हीं लोगों ने ही इनमें जो कालम गड्ढा का खुदाई का भी काम शुरू किया। फिर उन्हीं लोगों ने इनमें कालम गड्ढा की खुदाई का भी काम शुरू किया, और उन लोगों ने टोटल इसमें 8 नग कालम गड्ढा की खुदाई किया, और वह भी 4x4 का टोटल इसमें 8 कालम गड्ढा खोदा गया। और जैसे ही 8ों कालम गड्ढा कम्प्लीट हुआ, उसके बाद फिर से नगर पालिका के अधिकारी लोग आए, फिर सर्वे किया, उसके बाद इसका फ़ोटो भी खींच के लेके गया। उसके कुछ दिन के बाद हमारे अकाउंट में हमारा पहला किस्त आ गया, और हम लोगों ने वो पहला किस्त ही निकाल के जिस इंजीनियर को ठेका दिया था उसको दे दिया। उसके बाद उसने हमारे घर में मटेरियल गिराया, जिसमें पहला खेप में आया था उसमें अपने पास 5 क्विंटल छड़ जो कि कामधेनु कंपनी का था, और वही इसमें फिर सीमेंट गिराया जो कि अल्ट्राटेट कंपनी का, इसमें 25 बोरी के पास सीमेंट गिराया, और साथ ही साथ इसमें ईंट भी गिराया गया था जो कि 2 ट्रिप, इसमें फर्स्ट ट्रिप ईंट गिराया गया था जो कि फ्लाई ब्रिज ईंट था जो काला कलर का दिखता है, और साथ में इसमें गिट्टी भी गिरा दिया गया था, और वही साथ में इसमें 3 ट्रिप के पास रेत भी गिराया गया था, और वही जो कालम गड्ढा के लिए जो कालम के लिए छड़ यूज़ किया गया था वह 4 सूत का छड़ था जिसको आप 12 mm भी कह सकते हैं, और रिंग के लिए इसमें 2 सूत का उपयोग किया था जिसको आप 6 mm भी कह सकते हैं। तो और उसके बाद जैसे इसमें छड़ का कालम निकाला गया, उसके बाद नीचे का भीम का काम भी इन लोगों ने ढलाई के लिए कंप्लीट स्टार्टिंग कर दिया, और उसके बाद इन लोगों ने नीचे का भीम के लिए इन लोगों ने सेंटिंग का भी काम शुरू कर दिया। सेंटिंग का काम जैसे ही भीम का कंप्लीट हुआ, उसके बाद इन लोगों ने इसमें ढलाई का काम शुरू किया, और उसके लिए इन लोगों ने 1 बोरी सीमेंट में 8 तगाड़ी गिट्टी और 12 तगाड़ी रेत का उपयोग किया गया, और उसके बाद इन लोगों ने इसी प्रकार से मटेरियल बनाकर मसाला बनाकर नीचे का भीम का पूरी तरह से ढलाई का काम कंप्लीट किया। जैसे ही नीचे का भीम कंप्लीट हुआ, उसके बाद इन लोगों ने ईंट से जुड़ाई का काम स्टार्टिंग किया, और वही साथ ही साथ इन लोगों ने दोनों रूम और किचन में रेत से पटिंग का भी काम किया जा रहा था, और इसमें अपने को 2 दरवाजा दिया गया था जो लोहे का बना हुआ था, जिसकी साइज की बात करें वह 3x6 का इसमें 2 दरवाजा लगाया गया, और वही इसमें 2 खिड़की भी दिया गया था जिसमें एक रूम में 1 खिड़की दिया गया था जिसकी साइज की बात करें वह 3x6 का था, और वही अपने को किचन में किचन पाटा भी इसमें बनाकर दिया गया था। किचन में भी इसमें लोहे का खिड़की दिया गया 3x3 का, और उसके बाद जैसे ही दरवाजे का हाइट का हुआ दीवार, उसके बाद इसमें चैली बांधा गया सेकंड भीम के लिए, और उसके बाद इसमें सेकंड भीम का ढलाई का भी काम किया गया, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें अच्छा से डेली पानी से इसका तराई करते थे, और वही इसमें एक रूम में अपने को छज्जा बनाकर भी इसमें दिया गया। सेकंड भीम जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर इन लोगों ने ईंट से इसमें जुड़ाई का काम भी शुरू कर दिया, और वही बीच में नगर पालिका के अधिकारी लोग फिर से आए, फिर से इसका सर्वे किया, फ़ोटो वगैरह खींच के लेके गया, उसके बाद फिर से हमारे अकाउंट में सेकंड किस्त डाल दिया, और हम लोगों ने वो किस्त
फिर से निकाल के जिस इंजीनियर को ठेका दिया था उसी को दे दिया। उसके बाद उसने फिर से हमारे घर में मटेरियल गिराया और इसमें दोनों रूम में अपने को रोशनदान भी लगाकर उन लोगों ने दिया। चारों साइड के दीवार कंप्लीट होने के बाद इन लोगों ने नीचे के बेस के लिए इन लोगों ने फिर से मसाला बनाया और उसके बाद इन लोगों ने दोनों रूम और किचन में नीचे को इन लोगों ने अच्छे से ढलाई का काम किया। जैसे ही नीचे का बेस कंप्लीट हुआ उसके बाद इन लोगों ने सेंटिंग के लिए लकड़ी गिराया। उनमें उन लोगों ने लकड़ी का बल्ली और लकड़ी का ही प्लेट का उपयोग किया और उसके बाद इन लोगों ने दोनों रूम और किचन में अच्छी तरह से ढलाई के लिए सेंटिंग का काम किया। सेंटिंग का काम जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर इन लोगों ने ढलाई के लिए छड़ कटिंग का काम किया गया और इन लोगों ने पूरी तरह से ढलाई के लिए जो छड़ यूज़ किया गया वह 3 फुट का था, जिसको आप 10 mm भी कह सकते हैं। तो इन लोगों ने ढलाई के लिए पूरी तरह से 10 mm छड़ का उपयोग किया और इन लोगों ने अच्छे से सेंटिंग के ऊपर छड़ का स्लेब भी बिछाया। छड़ का स्लेब जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद इन लोगों ने मसाला बनाना स्टार्टिंग किया और इन लोगों ने पहली बार में ही 13 बोरी सीमेंट का मसाला बनाया और इन लोगों ने पूरी तरह से हाथ से ही इसको मसाला को बनाया, न किसी प्रकार से इसमें मिक्सर मशीन वगैरह का उपयोग नहीं किया गया था। और इन लोगों ने सेकंड बार में भी इन लोगों ने 13 बोरी सीमेंट का मसाला बनाया, क्योंकि इसमें टोटल ढलाई में लगभग 26 बोरी सीमेंट लग गया और वही एक ट्रिप गिट्टी लग गया और एक ट्रिप इसमें रेत भी लग गया। और इन लोगों ने सुबह 11 बजे से स्टार्टिंग किया और इन लोगों को पूरी तरह से ढलाई करते करते इन लोगों ने टोटल 420 फीट ढलाई किया, पूरी तरह से इन लोगों को शाम हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का छत का भी ढलाई हो गया। ढलाई होने के दूसरा दिन बाद उन्होंने एक ईंट का बाउंड्री किया और एक बोरी सीमेंट का घोल पानी दिया और उसके बाद इसमें क्यारी बनाया पानी डालने के लिए। और उसके बाद इन लोगों ने 15 दिन ही इसको सेंटिंग लकड़ी को रखा और 15 दिन के बाद इन लोगों ने सेंटिंग निकाल दिया और साथ ही साथ उन लोगों ने बाहर का भी प्लास्टर का काम शुरू कर दिया था। पहले तो इन लोगों ने बाहर का रूम का ही प्लास्टर किया, उसके बाद बाहर का रूम पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इन लोगों ने फिर से रूम में चैली बनाया ऊपर से सीलिंग का छपाई करने के लिए। जैसे ही सीलिंग का छपाई कंप्लीट हुआ उसके बाद इन लोगों ने रूम के भी चारों दीवारों का भी प्लास्टर का काम इन लोगों ने फिनिशिंग यानी कि कंप्लीट कर दिया। जैसे ही सभी रूमों का प्लास्टर का काम कंप्लीट हो गया उसके बाद इन लोगों ने नीचे मलाई प्लास्टर के लिए रूम में ही मसाला का निर्माण किया और उसके बाद इन लोगों ने मसाला को चारों तरफ से रूम में फैलाया। उसके बाद इन लोगों ने उसमें अच्छी तरह से पैर से दबाया। उसके बाद इन लोगों ने इसको चारों कोनों से लेबल मिलाया एक साइड है कि नहीं। उसके बाद इन लोगों ने इसको पूरी तरह से मलाई प्लास्टर के लिए इसको रेडी किया यानी कि फिनिशिंग बराबर किया। उसके बाद इन लोगों ने इसको 2-3 घंटा तक छोड़ दिया। उसके बाद 2-3 घंटा होने के बाद इन लोगों ने उसके ऊपर मलाई प्लास्टर का काम स्टार्टिंग किया। इसी प्रकार से उन्होंने दोनों रूम और किचन का काम एक ही दिन में उन लोगों ने मलाई प्लास्टर का काम कंप्लीट करके दिया और हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, मात्र उसका लोगो बनाना ही बाकी था। से घर का काम फिनिशिंग होने के बाद मात्र अपने घर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो बनाना बाकी था, जिसको इन लोगों ने सामने दीवार में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो का निर्माण किया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो बनकर पूरी तैयार हो गया और हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया। पूरी तरह से फिनिशिंग होने के बाद इन लोगों ने पेंट का काम स्टार्टिंग किया और इन लोगों ने सभी दीवार को व्हाइट कलर में ही पोताई किया और उसके लिए इन लोगों ने एक बोरी मैजिक व्हाइट का लाया था और इन लोगों ने दोनों रूम और किचन को भी व्हाइट कलर में ही रखा और इन लोगों ने 2 कोट में इसका पोताई किया और मात्र सामने का ही दीवार को इन लोगों ने हल्का पीला कलर में पोताई किया और वही इसमें छत के पट्टा को इन लोगों ने काफ़ी कलर में पोताई किया। तो इस प्रकार से हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पेंट का काम भी पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया और इन लोगों ने दरवाजा और खिड़कियों में भी पूरी तरह से पॉलिश करके दिया। तो इस प्रकार से हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। तो दोस्तों लंबे इंतजार के बाद अपना प्रधानमंत्री आवास योजना बनकर कंप्लीट हो गया और इसको बनने में लगभग 4 माह का टाइम लग गया और इसमें टोटल 350 स्क्वायर फीट जमीन में बनाया गया। इसमें 2 रूम और 1 किचन दिया गया और वही इसमें टोटल 4 ट्रिप ईंट लग गया यानी कि 8000 नग
जो कि फ्लाई ब्रिज ईट था, और इसमें 120 बोरी सीमेंट लग गया जो कि अल्ट्राटेट सीमेंट था, और वही इसमें किचन में दरवाज़ा लगा कर नहीं दिया गया, और किचन में एक किचन पाटा और 3x3 का एक खिड़की और साथ में इसमें रोशनदान भी दिया गया था, और छड़ इसमें लगभग 9 क्विंटल के पास लग गया, और वही इसमें रेत की बात करें प्लास्टर रेत तो इसमें 1.5 ट्रिप के पास लग गया, और गिट्टी भी इसमें 1.5 ट्रिप लग गया, और वही इसमें टोटल जो जुड़ाई वाली रेट के लिए बात करें ढलाई और बेस वगैरह तो इसमें 60 ट्रिप के पास लग गया, और इसमें अपने को बिजली फिटिंग कर नहीं दिया गया, और वही इसमें दोनों रूम में लोहे का 2 दरवाज़ा दिया गया 3x6 का, और इसमें सेकंड रूम में भी अपने को एक खिड़की बनाकर दिया गया 3x3 का, और इसमें दरवाज़ा की साइज़ की बात करें वह 3x6 का इसमें दरवाज़ा दिया गया, और वही है टोटल अपना 420 फीट में इसका ढलाई हुआ, और मिस्त्री को उसने जो ठेका दिया था वह 110 रुपये में उसको मिस्त्री को ठेका दिया गया था, और वही सेकंड रूम में अपने को एक छज्जा भी बनाकर दिया गया, और इसमें टोटल अमाउंट की बात करें दोस्तों तो यह अपने को 2,26,000 समथिंग कुछ रुपये के पास हमारे अकाउंट में डला, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसमें कितना क्रेडिट और कितना डेबिट हुआ है आप सब इसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना बनकर कंप्लीट हो गया, और जिस इंजीनियर ने इसको बनाया उसने गुणवत्ता का भी अच्छा से ख्याल रखा।